What are the 8 C's of business letter? First one is clarity. That letter should be clear. Clarity में शामिल है letter का purpose और जो भी words अपने use करे हैं उनके जरिए reader जो है letter का purpose आसानी से समझ पाए. संक्षिप्त छोटा कम से कम वर्ड यूज करने हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करने हैं और पूरी की पूरी बात को एक्सप्लेन भी करना है. कंसिडरेशन, बिजनेस लेटर को कंसिडरेट होना चाहिए. रीडर की फीलिंग्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके लेटर को तैयार करना है. कि जो लेटर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए ताकि वो आपकी सर्विस आसानी से परचेज कर ले. कॉन्क्रीटनेस यानी कि डिफरेंट वर्डिंग्स का यूज करना है, डिफरेंट स्टाइल्स का यूज करना है वर्ड का, डिफरेंट कलर यूज करना है ताकि रीडर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना कर जाए. चीयरफुलनेस यानी कि बिजनेस लेटर लिखते समय हमें एक चीयरफुलनेस, एक खुशी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आगे फॉरवर्ड करना है ताकि वो लेटर पढ़े. करेक्टनेस क्योंकि एक बिजनेस लेटर है तो इसे करेक्ट होना बहुत जरूरी है. फैक्ट्स, फिगर, कंटेंट, टेक्स्ट सब करेक्ट होने बहुत जरूरी हैं. किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए चाहे वो स्पेलिंग की हो चाहे ग्रामर की हो. कैरेक्टर राइटर की तरफ से कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए उस लेटर के अंदर ताकि पढ़ने में वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे. कन्विंसिंग पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीएस ऑफ बिजनेस लेटर. आप किसी को कितना कन्विंस कर सकते हो कि वो आपकी बात माने यही है कन्विंसिंग पावर. कितना कन्विंस कर सकते हो कि वो आपकी सर्विस ले, आपका प्रोडक्ट खरीदे इसी यही है कन्विंसिंग पावर. अगर आपके लेटर में कन्विंसिंग पावर नहीं है तो लेटर बेकार है. लेटर में सर्विस या प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस लिखे जाते हैं ताकि आप कन्विंस हों.